अरे ये क्या सवेरे सवेरे घर के अंदर टोपी पहनकर क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही, यूं ही। यूं ही क्या? धूप थोड़ी निकल आई है घर के अंदर। मुझे सर पे ठंड लग रही है। क्या ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो? उतारो इसे। अरे सुधा, ये क्या है? आपके बाल? वाह जोशी जी, ये आपके साहबजादे का कारनामा है। कहा था कूल हेयर कट दूंगा, देखो कैसा घोंसला खड़ा कर दिया सर पर। आपको पता भी है इसे क्या कहते हैं? इस हेयर कट को कहते हैं स्पाइक्स। वैसे आपको सूट कर रहे हैं ये। तुम्हें सब पता है, है? सच्ची यंग लग रहे हो आप। सी मम्मा, आप हम में से सबसे ज्यादा कूल हो। पापा अब तो यकीन कर लो यार, अब तो मम्मी ने भी अप्रूव कर दिया है। मम्मी का चमचा, इंसान की उम्र के हिसाब से उसे हेयर कट देना चाहिए। ओहो पापा, आप बाहर निकल के तो देखो, मोहल्ले की सारी आंटियां बेहोश ना हो जाए तो कहना। नट बदमाश। सी उनको अभी से जेलेसी भी स्टार्ट हो गई है। वैसे बाहर टहलकर आने का आइडिया बुरा नहीं है, ये पैर के चक्कर में काफी दिन बेड रेस्ट पर था। हाँ हो ही आओ, लेकिन भगवान के लिए फिर से ये टोपी मत पहन लेना। आपके बेटे की मेहनत जरा लोगों को भी देखने दो। ठीक है, सोच लो। सीए कैफे जा रहा हूँ, कभी कभी वहाँ पर शहर की बहुत सुंदर महिलाएं दिखती हैं। फिर तो पहन ही लो टोपी। नहीं पहनूंगा। पहन लीजिए। ओहो हमारे पर्सनल शाहरुख खान, ऐसा करो मेरे साथ ही चलो, मैं उसी साइड जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं एक मिनट रुक, मैं बैग लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, वहाँ बैठ मत जाना, जल्दी आ जाना फिर से। लो आ गया आपका सीए कैफे। आराम से पापा। अच्छा सुनो, मुझे निकलने से पहले फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा आपको। अरे नहीं नहीं ठीक है, तो अपना काम कर, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से आना, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो आप। अरे वाह सर, क्या बात है, लुकिंग कूल। अच्छा, अरे मेरे बेटे ने किया है, मुंबई में हेयर स्टाइलिस्ट है, अपना स्टूडियो है उसका। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे जबलपुर से क्या शिकायत थी, उससे कहिए यहाँ भी एक ब्रांच खोली ले। ये लीजिए, आ गई आपकी चाय। आई विल लीव यू विथ योर चाय, प्लीज एंजॉय। थैंक यू शुक्रिया। ये सीए कैफे से मेरा एक अलग सा रिश्ता बन गया था। वहाँ अनजान लोगों के बीच चिट्ठियों में बसे अनजान किरदारों की कहानियां पढ़ने का अलग सा सुकून मिलने लगा था। वक्त आ गया था सातवें खत का, 19 नवंबर 2002। किसी कमल अधिकारी ने लिखा है अपने पिता चंदन अधिकारी को। प्रणाम बाबा, कैसे हो? जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आपका वही गुस्से से लाल चेहरा और माँ की रोती हुई आंखें दिखती हैं। कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब मेरा यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था। उस दिन ने हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। मन छोटा मत कर बेटा, अगली बार हो जाएगा। अरे माँ, अब मेरे से ये यूपीएससी की तैयारी नहीं होती, पिछले 3 सालों से बस इसी के पीछे पागल हूँ। अब नहीं होगा माँ, नहीं बनना मुझे आईएएस। अरे पर मैं समझ सकती हूँ तेरा फ्रस्ट्रेशन, लेकिन बेटा जिस चीज के लिए तूने 3 साल लगाए हैं उसे ऐसे जज्बाती होकर छोड़ना ठीक नहीं होगा। 3 साल हो गए माँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। और बाबा भी तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, मुझ पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। बेटा तब की तब देखेंगे, पड़ोस में जो मिसेस चैटर्जी हैं उनका बेटा नील दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग कर रहा है मुखर्जी नगर में। मैंने तेरे बाबा से बात कर ली है, तू भी वहीं जाएगा अब। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना दिल्ली और नहीं करनी कोई कोचिंग क्लासेस। पता भी है कितनी फीस है वहां की? पता है, इसीलिए कल बैंक गई थी। मतलब? मतलब
मेरा फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया था, तेरे दिल्ली में कोचिंग और रहने के काम आएगा अब। माँ आपने आपका फिक्स डिपॉजिट तुड़वा लिया? अब बहस मत कर, जा देख बाबा आए होंगे। बाबा आ गए आप? हाँ बेटा, माँ से बात हो गई ना तेरी? हाँ लेकिन मुझे। बेटा ये लो टिकट, परसों की है, चिंता मत कर, अब पैकिंग शुरू कर दे। बाबा अगर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? उसके बारे में सोच भी मत। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर इस दफे तुम्हारा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया तो कैसे मेरा नाम हर तरफ रोशन होगा। बाबा आई प्रॉमिस यू बाबा, आपका नाम वाकई हर तरफ रोशन करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, चल खाना खाते हैं। दिल्ली पहुंचकर मुझे मालूम पड़ा इसे दिलवालों का शहर क्यों कहा जाता है। वैसे तो ये शहर ही कमाल का है, पर जो जगह मुझे सबसे ज्यादा भाई वो थी खान मार्केट। हर शाम अपनी क्लासेस के बाद मैं वहीं वक्त बिताने लगा। देखा एक नया कैफे कल्चर उभर रहा था। मुझे क्या पता था ये खान मार्केट के सैर सपाटे मेरी जिंदगी ही बदल देंगे। कहां सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद आराम फरमाएंगे, वेकेशन जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर तुमने तो झट से दूसरी नौकरी पकड़ ली। अरे प्रभा ये बस एक कंसल्टेंसी सर्विस है, तुम्हें तो पता ही है कि अल्ताफ सालों पुराना मेरा दोस्त है, तो उसके खातिर कर ली और वेकेशन पे ले आया ना तुमको। अच्छा जी, ये वेकेशन ट्रिप है तुम्हारा? हाँ और नहीं तो क्या, दिल्ली है, कितनी सारी घूमने की जगह है यहाँ पे। बेटे से मिलने आए हैं, उसे ऑल द बेस्ट कहने। यहाँ से अगर मुक्तेश्वर नैनीताल लेकर जाएंगे तब मानूंगी कि मुझे घुमाने लाए हैं। बेटे से मिलने पहले? अगले महीने ही तो उसका एग्जाम है। मुझे यकीन है इस बार जरूर क्वालिफाई करेगा वो। पर प्रभा ये उसने हमें इस मार्केट में क्यों बुलाया? उसके पीजी में भी तो मिल लेते ना उससे। हाँ मैं भी वही देख रही हूँ, यही दुकान बताया था ना उसने, पर ये तो खाली है पूरा। अरे देखो यहाँ तो इनॉग्रेशन है आज, देखो गेट पे रिबन, शायद कोई दूसरा पता होगा। माँ बाबा पता सही है, ये कैफे मेरा ही है और इसका उद्घाटन आज आप दोनों करने वाले हो। तेरा कैफे? अरे क्या अप्रैल फूल बना रहा है, चल कहीं और बैठते हैं। अरे बाबा अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, कैफे मेरा ही है। बलविंदर मिलिए, ये मेरा पार्टनर है। सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी, किवें तुसी? नमस्ते बेटा। बेटा हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुझे तो हमने यहाँ पढ़ने भेजा था ना। हाँ माँ हाँ, पढ़ने ही भेजा था, और उस पढ़ाई के दौरान ही मैं यहाँ खान मार्केट आने लगा था। तभी समझा कि कैसे आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स, फैमिलीज, यंग बिजनेस पीपल सब यहीं आते हैं, चाहे वक्त गुजारने, मीटिंग करने, इतना कि दिल्ली में उनके लिए अब कैफे की कमी पड़ने लगी थी। तो मुझे लगा कि कैफे खोलने का आइडिया सही रहेगा, और तभी मुझे बलविंदर मिला। क्यों बलविंदर? जी आंटी जी जी, मैं सबसे पहले इसी कैफे च मिले सी, ते दैट टाइम आई नीडेड अ पार्ट टाइम अकाउंट्स मैनेजर, ते तां मैनू समझाया कि किवें असी इस कैफे कल्चर नू ना एक स्टेप और आगे ले जा सकते ने। तो सिर्फ खाण पीन वास्ते नहीं जी, बर्थडे पार्टी, ऑफिस गैदरिंग, किटियां पावे, जो मर्जी करो। फिर तां मैनू लग्या कि अगर वाहिगुरु जी दी मेहर इस कैफे च रही ना, तो इसकी चेन हम छोटे शहरों में भी खोल लेंगे, जहाँ मुझे लगता है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर अब इससे अगला वाला मेरठ में ही खोल लेते हैं, क्यों जी? बिल्कुल, अब बलविंदर बिल्कुल मेरे जैसा है, इसने मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी और हमने कैफे खोल लिया। बस बहुत हो गया, तुझे यहाँ भरोसे के साथ पढ़ने भेजा था और तू हमारे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। माँ के सालों के बचाए एफडी को ऐसे कामों में लगा दिया। अरे क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं बाबा नहीं, एफडी का एक भी पैसा छुआ नहीं, और जो भी कोचिंग सेंटर में खर्च हुआ था वो मैंने आज सुबह ही माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, मेरी पार्ट टाइम की सेविंग से। क्या कह रहे हो बेटा? वाह बेटा वाह, कितना हिसाब किताब रखने लगा है, हमारे सपनों का हिसाब भी लगा दे। नहीं बाबा यार नहीं, आपसे किया वादा भूला नहीं मैं, आपका नाम वाकई रोशन करूंगा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो प्रभा। अरे उसकी बात सुन तो लीजिए एक बार। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैं तो चला। अरे सुनिए तो, रुकिए आंटी जी, एक बार गलती सुन लीजिए। आपको वहां से झुके हुए कंधों के साथ निकलते देखा तो समझा
शायद अनजाने में मुझसे बहुत भूल हो गई, पर आपको इसके बारे में पहले बता देता तो आप मुझे कोशिश भी नहीं करने देते। अगले 3 सालों तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन आपका अचानक फोन आया। हेलो बेटा, कैसा है? अच्छा हूं बाबा। मेरठ में भी कैफे खोल लिया और हमसे मिलने तक नहीं आया। कैसे आता बाबा, जब मैं शहर में ही नहीं था तो मुझे लगा कि बलविंदर को भेजना ठीक होगा। बलविंदर को क्यों? तेरा शहर है, तू भी तो आ सकता था ना। बाबा शहर आता और अपने घर नहीं आता तो लोग बातें बनाते। तो तुझे इतना यकीन था बेटा कि मैं इस बार भी तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलता? बाबा बाबा सॉरी बाबा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि मैं गलत था, तूने वाकई मेरा नाम रोशन कर दिया, वो भी देश के हर कोने में। तो आपको पता चल गया? बापू तेरा, क्यों नहीं पता चलता? अपने कैफे चीन का नाम तूने मेरे नाम पर रखा है। हाँ बाबा हाँ, मुझे मालूम था कि एक दिन आप पकड़ ही लोगे। अच्छा पता है, कल जब यहाँ तेरे कैफे गया तो सबको फ्री में कॉफी पिलाई, कहा मेरे बेटे का कैफे है। अच्छा चल ये बता, अगली वाली कहाँ खोल रहा है? बाबा मुंबई में खोल रहा हूँ, और जिस दिन इनॉग्रेट करूंगा ना तो आपको वहां से चिट्ठी और फोटो दोनों भेजूंगा। सुन बेटा, एक बात बतानी थी। हाँ बाबा। बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। तो बस वो दिन आ गया, मुंबई में आज हमारे 5वें कैफे का इनॉग्रेशन हुआ। काफी प्रेस वाले भी आए थे, काश आप लोग भी यहां होते। चलिए माँ को भी मेरा प्रणाम कहिएगा, जल्दी ही मिलते हैं इंडिया के अगले चंदन अधिकारी कैफे में। चंदन अधिकारी कैफे? चंदन अधिकारी कैफे? सीए कैफे यानी मैनेजर अरविंद इधर आओ। हाँ हाँ जोशी जी बोलिए, ऑल ओके? ये आपके फाउंडर का नाम बलविंदर और कमल है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? ये 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 चिट्ठी है, आप प्लीज कमल साहब तक पहुंचा देंगे? ये उन्होंने लिखी थी 20 साल पहले। चिट्ठी 20 साल पहले? हाँ हाँ ठीक है, पहुंचा तो दूंगा, लेकिन आपके पास कैसे आई? ये बहस मत करो, ये पहुंचा। जोशी जी, अरे जोशी जी कहाँ चल दिए? जोशी जी अरे पापा आप कब आए? अच्छा गेस व्हाट, वो सौरभ खन्ना है ना, वो क्रिकेटर जिसकी फोटो आपको दिखाई थी अपने फोन पे, वो किसको जानता है? वरुण को जानता है, उसके थ्रू उसकी चिट्ठी हम। पापा 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 क्या हो गया है? आप ठीक हो? I'm sorry बेटा। आप ठीक तो है ना? जिंदगी भर सिखाता रहा सपनों के पीछे भाग, उन्हें अधूरा मत छोड़, और आज मैं पर्दा मेरी आंखों पर था, असली बच्चन तो तू निकला, अपने बाप से भी आगे बढ़ गया। पापा आप ये सब क्या कह रहे हो? पापा आपको क्या हुआ है एकदम से? मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, शायद ये मेरा वहम था। नहीं पापा नहीं, आपसे नहीं हुई कोई गलती, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए पापा। अमित तुझे जो करना है कर, किसी के कहने पर मत रुकना, तुझे कुछ भी कहे कितनी भी मुश्किल आ जाए ना, याद रखियो तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा। मुझे मालूम है पापा, ये बात मुझे हमेशा से पता थी, शायद तभी ये स्टेप भी मैं उठा पाया पापा, नहीं तो मेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती। थैंक यू, आई लव यू पापा। अरे ये क्या कर रहे हैं श्रीमती जी आप? बाप बेटे साथ में इतने अच्छे लग रहे हो, तो इस मोबाइल में आप दोनों को कैद तो करना ही था ना। एक मिनट आंखें तो पोंछने दो यार।
ठीक है, एक सेल्फी ले लेते हैं। हैप्पी फेसेस। हाँ जोशी जी, वैसे एक बात तो आपने सही कही है, आप वहमी हो, बहुत वहमी हो आप। अरे सुधा, वो कहने के लिए कहा, मतलब अच्छा ऐसे ही बोल दिया था। अब ऐसी ही चीजें बोल देते हो। अरे शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई सेड ना हैप्पी फेसेस, चलो स्माइल। दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। For more details, please visit www.sbilife.co.in/podcasts. IRDAI registration number 111.